हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना लेसन नंबर 5 मृदा अभिक्रिया डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज अपन डिस्कस करेंगे मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारण। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मृदा पीएच को परिवर्तन करने वाले कारक, जिसमें अम्ल उत्पादक कारक व क्षार उत्पादक कारकों की अपन ने बात की थी। तो यहाँ पर जो कारक है, टोटल 8 कारक है, इन 8 कारकों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आपका पैतृक पदार्थ की मृदा किस पैतृक पदार्थ से बनी हुई है। फिर बात करेंगे अवक्षेपण, अवक्षेपण मुख्यतः वर्षा के जल से होता है। फिर बात करेंगे अपन कार्बनिक पदार्थों का विघटन, क्योंकि ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा विघटन चलता रहता है। मूल वनस्पति की पौधों में जो वनस्पति उग जाती है, उस वनस्पति से भी उसकी अम्लता और क्षारकता मतलब पीएच क्या होती है, प्रभावित होती है। फिर फसल की प्रकृति कौन सी है, किस टाइप की आपकी फसल है। फिर बात करेंगे मृदा की गहराई कितनी है। कई बार आपने देखा होगा कि थोड़ी सी मृदा के बाद में पत्थर आ जाता है, तो मृदा की गहराई कितनी है उसके आधार पर भी, क्योंकि मृदा में विनिमय चलता रहता है, ऊपर की मृदा नीचे होती रहती है, तो वहां पर भी मृदा की पीएच कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। फिर बात करेंगे अपन नाइट्रोजन उर्वरक, क्योंकि ज्यादातर अपन फसल में कौन से उर्वरक यूज करते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक यूज करते हैं। और लास्ट में आपकी जलमग्नता, यदि मृदा स्थल आपका लंबे समय तक जल से डूबा रहे तो वहां पर भी मृदा पीएच में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अपन फर्स्ट बात करते हैं किसकी, पैतृक पदार्थ। इसकी बात करते हैं बेटा पैतृक पदार्थ। अब पैतृक पदार्थ में आपको पता है मृदा का निर्माण किससे होता है, आपका चट्टान से होता है। किससे होता है बेटा, चट्टान से होता है। अब यहाँ पर बात करें अपन कि जो सारे चट्टानों से निर्मित मृदा है, क्या सारे चट्टानों से निर्मित मृदा है उसकी पीएच का मान क्या रहेगा, आपका ज्यादा रहेगा। तो आपकी चट्टाने क्या है, यदि क्षारीय है, चट्टाने क्या है क्षारीय है और उससे मृदा आपकी बनती है, तो पीएच का मान क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। और चट्टाने आपकी क्या है, अम्लीय है, चट्टाने क्या है बेटा, अम्लीय है, उससे बनने वाली जो मृदा है उसकी पीएच का मान किया हुआ आपका कम होगा। इसलिए आप समझ सकते हो कि चट्टान से किसका निर्माण होता है, मृदा से, तो उसका क्या हुआ, ये पैतृक पदार्थ हुआ। तो पैतृक पदार्थ हुआ तो अगर चट्टान की प्रकृति क्षारीय है तो मृदा की प्रकृति भी क्या होगी, क्षारीय है, और पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और चट्टान अगर अम्लीय प्रकृति की है उससे बनने वाली मृदा भी क्या होगी, अम्लीय होगी, पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेटा अब आगे देखिए, दूसरा जो अपना पॉइंट है वो क्या है, अवक्षेपण है। दूसरा क्या है आपका, अवक्षेपण है। अवक्षेपण का मतलब होता है पदार्थों का बाहर निकलना। अब आपका जो वर्षा का जल है, क्या है, वर्षा का जो जल है, वर्षा का जल है उसमें अपने पास में सारे तत्व, वर्षा के जल में लवण जो होते हैं उसमें क्या होते हैं आपके क्षारीय तत्व, जैसे आपका कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, इनका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेपण, राइट। और इनकी जगह अपने पास में एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज जैसे तत्व आ जाते हैं। वर्षा के जो जल होता है उसमें सारे तत्व कौन कौन से, कैल्शियम मैग्नीशियम का अवक्षेपण मतलब दूध के बाहर निकल जाते हैं, जल के साथ भर जाते हैं, उनकी जगह कौन से आ जाते हैं, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और मैग्नीज, और ये सारे कौन से होते हैं आपके, अम्लता प्रदर्शित करने वाले होते हैं। कौन से, अम्लता प्रदर्शित करने वाले होते हैं, इसलिए पीएच का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जो अवक्षेपण प्रक्रिया है उससे क्या हो जाता है, पीएच में कमी आ जाती है। अब आती है अपने पास में कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कौन सा होता है आपका, कार्बनिक पदार्थों का विघटन। बेटा हमेशा ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थों का जो विघटन होता है वो इनके द्वारा होता है, वो होता है आपका सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, बेटा सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, जिससे अपन को
सामान्यतः क्या मिलता है, CO2 और H2O। क्या मिलता है, CO2 और H2O, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2CO3, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं इसको, क्लियर है। अब ये कार्बोनिक अम्ल मृदा में उपस्थित जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, H2CO3 प्लस CaCO3 और H2CO3 प्लस Mg CO3, इनसे क्रिया करके क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, बाइकार्बोनेट बनाते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस और आपका ये बन जाएगा MgHCO3 का होल ट्वाइस। इसको बोलेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों का क्या होता है, निक्षालन। क्या होता है बेटा, निक्षालन। निक्षालन होने से ये क्या देते हैं, H+ देते हैं। क्या देते हैं, ये H+ देते हैं, और H+ देने से ये क्या बढ़ाएंगे अपने पास में, अम्लता को बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाएंगे बेटा, अम्लता को बढ़ाएंगे, जिससे pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। pH का मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके कार्बनिक पदार्थ के विघटन से अपन को क्या मिला, CO2 और H2O, इससे क्या बना, कार्बोनिक अम्ल। और ये कार्बोनिक अम्ल मृदा में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाते हैं, उनके बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जो निक्षारण के द्वारा क्या देते हैं, H+, और H+ की वजह से क्या बढ़ जाती है, अम्लता, और pH का मान क्या हो जाता है, कम। राइट, तो आपका ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ आपकी मूल वनस्पति, इसके बारे में बात करेंगे बेटा, मूल वनस्पति के बारे में बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए आप, मूल वनस्पति जो है, अगर अपनी जंगली वनस्पति है तो वो अधिक अम्लीय होगी। तो बात करेंगे अपन मूल वनस्पति की, मृदा में वनस्पति कौन सी है। तो आपकी जो जंगली वनस्पति है, कौन सी बेटा, जंगली वनस्पति है, उस वनस्पति में अपन क्या करेंगे, अम्लता ज्यादा देखने को मिलेगी। अम्लता ज्यादा होगी तो पीएच का मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और ऐसे शंकुधारी जो पौधे होते हैं वो चौड़े पत्ती वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लता उत्पन्न करते हैं। इस तरह से अपन इस मूल वनस्पति को समझ सकते हैं कि मृदा पर कौन सी वनस्पति है। जंगली वनस्पति भी अम्लता ज्यादा करती है, और जो शंकुधारी आपके पौधे होते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले पौधों के अपेक्षा अधिक अम्लता उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में फसल की प्रकृति, ये फसल की प्रकृति क्या है। अब आपकी जो घास वाली फसल है, उसमें घास ज्यादा होता है, उस घास वाली फसल जो होती है मृदा पीएच को इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं करती। मुख्यतः घास वाली फसल मृदा पीएच को ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट है आपकी मृदा गहराई, इसकी बात करेंगे बेटा, मृदा गहराई। मृदा गहराई में कहा जाता है कि शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त, मृदा गहराई कि अपने पास में मृदा की गहराई कितनी है, कितनी अपन नीचे तक वो मृदा उपस्थित है स्थल से। तो अगर शुष्क क्षेत्रों को छोड़ दे, इसको छोड़ दे अपन, शुष्क क्षेत्रों के अलावा, शुष्क क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्रों में गहराई बढ़ने से क्या बढ़ती है, अम्लता में वृद्धि होती है। क्या होती है, अम्लता में वृद्धि होती है। राइट, तो पीएच के मान में क्या हो गया बेटा, कमी हो जाती है। पीएच के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। शुष्क क्षेत्रों को छोड़ दिया, शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, लवण की मात्रा ज्यादा होती है। इसकी मात्रा ज्यादा होती है, लवण की मात्रा ज्यादा होती है, धीरे धीरे वहां गहराई में भी क्या हो जाता है, लवण पहुंच जाता है। तो इनके अलावा सभी क्षेत्रों में क्या होगी, अम्लता बढ़ेगी और पीएच का मान कम हो जाएगा, जबकि शुष्क क्षेत्रों में लवण की मात्रा ज्यादा होने की वजह से पीएच का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। बात करते हैं अपन किसकी, नाइट्रोजन उर्वरक की। किसकी बात करते हैं बेटा, नाइट्रोजन उर्वरक की। आप जानते हो अधिकतर आप
फसल में कौन क्या यूज करते हो? नाइट्रोजन उर्वरक यूज करते हैं। फसल में क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन उर्वरक। और आपको पता है ये नाइट्रोजन उर्वरक विघटित होकर क्या देते हैं? नाइट्रोजन उर्वरक विघटित होकर क्या देंगे? NO3- माइनस आयन, नाइट्रेट आयन देते हैं, जो किसको बढ़ाता है? अम्लता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? अम्लता को बढ़ाता है और पीएच कर देगा कम कर देगा। ध्यान दीजिए बेटा, जितनी भी फसल होती है उसमें अधिकतर अपन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जो विघटित होकर अपन क्या देते हैं? नाइट्रेट आयन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? नाइट्रेट आयन देते हैं और ये एक प्रकार का अम्लीय आयन है, अम्लता उत्पन्न करता है और अम्लता बढ़ाएगा तो पीएच के मान में क्या होगी? कम होगी। और जहां पर उर्वरक कम उपयोग किए जाते हैं वहां पर क्या होगी? आपकी अम्लता ज्यादा होगी, अम्लता कम हो जाएगी। जहां पर नाइट्रोजन कम उपयोग में लाए जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कम उपयोग में लाए जाते हैं, वहां पर अम्लता क्या होती है? कम होती है। क्लियर? लास्ट पॉइंट है आठवां आपका जलमग्नता। कौन सा पॉइंट है बेटा? जलमग्नता। अब जलमग्नता में आप समझ रहे हो कि ऐसी मृदा जो काफी लंबे समय तक जल में डूबी हुई होती है, इसकी बात करेंगे अपन। आठवां पॉइंट आपका जलमग्नता। अभी आपकी कोई मृदा है, ये मृदा का आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसमें डूबा हुआ है? आपका पानी में डूबा हुआ है। और पानी में क्या होता है अपने पास में? H+ और OH- आयन होते हैं। तो जल से डूबे हुए जो मृदा होती है उसमें सामान्यतः अम्लता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि सक्रिय जल में कौन होते हैं? H+ आयन होते हैं। तो जल से डूबी हुई मृदा में अपन कहते हैं सामान्यतः इनको क्या मिलता है? H+ आयन की मात्रा ज्यादा मिलती है उस मृदा को, जिससे उसकी अम्लता में वृद्धि होती है और पीएच के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये आपके पूरे आठ पॉइंट थे। ये आठों के आठों पॉइंट क्या कर रहे हैं? आपके पीएच को प्रभावित कर रहे हैं, या तो उससे पीएच कम हो रही है या पीएच ज्यादा हो रही है। मतलब अम्लता बढ़ती है तो पीएच कम हो जाती है, सारकता बढ़ती है तो पीएच ज्यादा होती है। तो ये आठ कारण में से कोई भी कारक आपसे पूछ सकता है, या मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, नाम आपसे पूछ सकता है या आपसे उसको एक्सप्लेन भी करवा सकता है। तो छोटा क्वेश्चन आए तो नाम लिख के छोड़ दो, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको इसको एक एक दो दो लाइन में समझाना है। तो पहले आप इनके नाम लिखो फिर इनको समझाओ। क्लियर बेटा? तो ये आपके समझ में आए होंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।